तीसरा अध्याय। सूत जी ने अग्रिम प्रसंग को सुनाते हुए कहा, हे ऋषियों, दक्षिण भारत में एक समृद्ध राष्ट्र के राजा थे उल्कामुख। वे सत्यवादी थे, भगवान सत्यनारायण में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। अपने समस्त वैभव, साम्राज्य, शक्ति एवं संपन्नता का श्रेय श्री सत्यनारायण भगवान को ही देते थे। स्वयं ही भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर प्रतिमा पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन राशि सामर्थ्य के विस्तार से विस्तार पूर्वक करते थे। दीन दुखियों को अन्न वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा तथा आवश्यकता के अनुरूप ही सहयोग करते थे। एक दिन इसी पूजा के कार्यक्रम में साधु नामक एक व्यापारी वहां आया, पूरे उत्सव में सम्मिलित हुआ, कथा प्रवचन को सुना, बाद में प्रणाम पूर्वक प्रसाद चरणामृत लेकर राजा से वार्तालाप किया। इसके पास कोई संतान नहीं थी, अथाह धन संपदा एवं विशाल व्यापार का कारोबार होने पर भी संतान के अभाव से ग्रस्त था। श्री सत्यनारायण के व्रत एवं पूजा करने की उनका मुख की सलाह पर यह सहमत तो हो गया, परंतु व्यापार में जितना लगाव था उतना धर्म कार्य में नहीं था। सत्य में निष्ठा भी नहीं थी। अपनी पत्नी लीलावती से परामर्श करते हुए दोनों ने संकल्प लिया कि हमारे घर में यदि संतान की प्राप्ति होगी तो श्री सत्यदेव का व्रत करेंगे। भगवान ने कृपा की, एक वर्ष के बाद ही एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम कलावती रख दिया। चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी। सत्य में निष्ठा न होने के कारण व्यापारी अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। पत्नी द्वारा स्मरण कराने पर भी समय का अभाव बताकर इस सत्य मार्ग की उपेक्षा करते हुए व्यापार में ही आगे बढ़ा। कन्या के विवाह के समय ही पूजा एवं व्रत करने का संकल्प दोहराया। धीरे धीरे लंबा समय बीत गया। कन्या बढ़कर विवाह योग्य हो गई। योग्य एवं संपन्न व्यापारी युवक के साथ उसका विवाह भी हो गया, परंतु धन के मद में साधु तो अपनी प्रतिज्ञा को भूल ही गया। कुछ दिन के पश्चात वे दामाद और ससुर दोनों ही व्यापार के लिए दूर दराज के देशों में निकल गए। एक दिन चंद्रकेतु राजा के राज्य में राजधानी के समीप ही सोए हुए इन व्यापारियों के पास चोर भागते हुए आए। रात्रि का समय था, राज द्रव्य चोरी करके आए थे। राजगणों के भय से वे सारा धन वहीं पर छोड़कर वे तो वन में भाग गए। राजपुरुषों ने इन दो व्यापारियों को चोर समझकर पकड़ लिया। सारा राज द्रव्य पकड़े जाने पर न्यायाधीशों ने जेल में डाल दिया। कठोर परिश्रम युक्त जेल खाना का दंड मिला। उधर घर में दोनों माँ और बेटी के ऊपर भी विपत्ति के पहाड़ टूटने लगे। अग्नि, चोर आदि से सारा धन नष्ट हुआ। दोनों ही भीख मांगने को विवश हुई। इस विपन्नता ने उनका दिल ही तोड़ दिया। अपने पिता और पति का कोई समाचार नहीं आया। घर की यह दशा हुई तो घूमती हुई एक दिन श्री सत्यनारायण कथा के मंदिर में पहुंच गई। सारी बात याद आई। भगवान को प्रणाम करके मन ही मन संकल्प लिया, अपने पति देव के आगमन पर हम भी यह उत्सव मनाएंगे, जब तक प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करेंगे। भगवान तो परम दयालु है, संकल्प मात्र से भी प्रसन्न होते हैं, सुधरने का मौका देते हैं। व्यापारी ने भी जेल में अपना पश्चाताप व्यक्त किया, भगवान से क्षमा मांगी। उधर राजा को स्वप्न में आदेश देकर भगवान ने जेल से मुक्त कराया, सारा धन वापस किया। उन्हें आदर सम्मान करते हुए पुरस्कार के रूप में उतना ही धन और प्रदान किया। सह सम्मान दोनों को घर की ओर भेज दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।